अच्छा था, इजी था, नॉट टफ नॉट बैड। व्यवस्था अच्छा था, इस बार का क्वेश्चन और सारी ईयर के कंपैरिजन में अच्छा हार्ड था यूपीएससी टाइप। सवाल एग्जाम पे नहीं है, सवाल है कि यहाँ पे लीक कहाँ से होता है उस पर सवाल है। अच्छे स्टूडेंट इसके कारण नहीं आ पाते हैं। बिहार लोक सेवा चयन आयोग का RCTV PT का परीक्षा आज समाप्त हो चुका है। ऐसे में बड़ी संख्या में जो परीक्षार्थी हैं परीक्षा केंद्र पर आए थे। यहाँ पे जो परीक्षार्थी थे जो परीक्षा देने आए हैं उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह का किस लेवल का क्वेश्चन था और क्या कुछ परीक्षा को लेकर के उन लोगों का कहना है, जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन पेपर थे किस तरह का, इसका लेवल था? पहले से थोड़ा हाई लेवल है, सही लेवल है। क्या लग रहा है? कम से कम वन डे नहीं है, इतना तो श्योर है। जिस तरह से आयोग पर लगातार सवाल उठते आ रहे हैं, क्या लग रहा था इस बार जो एग्जामिनेशन हुए उससे छात्र छात्राएं जो परीक्षार्थी हैं वो खुश हैं? देखिए सर, सवाल एग्जाम पे नहीं है, सवाल है कि यहाँ पे लीक कहाँ से होता है उस पर सवाल है। अच्छे स्टूडेंट इसके कारण नहीं आ पाते हैं, वो प्रॉब्लम है हम लोग के लिए। हम लोग इतना अच्छा से पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं, फिर भी सिलेक्शन नहीं होता, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। हम तो अध्यक्ष महोदय से यही कहेंगे, जब भी एग्जाम लें फेयर लें, एग्जाम बहुत अच्छा चल रहा है और कम से कम फेयर करने की कोशिश करें। कैमा स्टेप था? क्या पहली बार दे रही थी एग्जाम? नहीं, मैं दी हूँ। ये तीसरा स्टेप था, तो इससे पहले क्या प्रॉब्लम आई थी? भिन्नता कुछ नज़र आई? भिन्नता कुछ नहीं, PT के स्तर पर जो वनडे था वो नहीं है, और भिन्नता क्या नज़र आएगा? क्वेश्चन लेवल सही था? हाँ, क्वेश्चन लेवल ठीक था। हाँ, सुरक्षा व्यवस्था अच्छा था, इस बार का क्वेश्चन और सारी ईयर के कंपैरिजन में अच्छा था, हार्ड था UPSC टाइप। लगातार आयोग पर सवाल उठते आ रहे थे, क्या लगता है इस बार? इस बार नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस बार बहुत सारे चेंजेस किया गया है, बहुत सारे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के स्ट्रॉन्ग रूल्स बनाया गया है, और इस बार कट ऑफ आई थिंक 100 या उससे ज़्यादा जाना चाहिए फॉर जनरल। लेवल था एग्जाम पेपर का, किस तरह का लेवल था? अच्छा था, इजी था, नॉट टफ नॉट बैड। तो क्या लग रहा है जिस तरह से आयोग पर लगातार सवाल उठते आ रहे थे परीक्षा को लेकर के यहाँ पे अराजकता है, तो इस बार जो एग्जामिनेशन हुआ क्या लगता है कि सही से एग्जामिनेशन हुआ, रिजल्ट भी सही से आ पाएंगे? हाँ, एग्जाम सही से और रिजल्ट भी अच्छा आएगा, वैसा टफ नहीं था जैसा बोला गया, तो वैसा टफ नहीं था। कट ऑफ का कुछ प्रॉब्लम था इसमें, कुछ छात्र छात्राओं को कुछ प्रॉब्लम भी हुई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, नहीं। टफ था जी। क्या लगता है कि जिस तरह से आयोग पर लगातार सवाल उठते आ रहे थे, क्या लगता है कि इस बार जो एग्जाम हुए हैं सही हुए हैं और इसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा? हाँ, टफ था, मतलब प्रॉपरली हुआ है सब, हमारे सामने सीलिंग वगैरह हुई है तो किसी तरह की अराजकता का माहौल भी था देखने को मिल रहा था, या फिर जिस तरह की व्यवस्था थी व्यवस्था से संतुष्ट है आयोग जी? मैडम कैसा गया एग्जाम? किस लेवल का एग्जाम? अच्छा गया है, क्वेश्चन अच्छा था इस बार, क्वेश्चन अच्छा था इस बार। लोग तो बता रहे हैं कि क्वेश्चन पिछले नहीं नहीं क्वेश्चन शुरू का क्वेश्चन अच्छा था, थोड़ा सा बीच में टफ था, तो एग्जाम भी तो था BPSC का, तो थोड़ा तो टफ होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन बढ़िया था, क्वेश्चन ठीक था। आयोग पर लगातार सवाल उठते आ रहे थे उस तरह से इस बार जो एग्जाम? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए इस बार, क्योंकि एग्जाम बहुत लोगों का अच्छा गया है इस बार, बहुत लोगों और हमारा भी अच्छा गया है। ठीक है, थैंक यू। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 68वीं PT का परीक्षा खत्म हो चुका है। ऐसे में 4,34,651 विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए हैं। परीक्षा केंद्र से बाहर निकलने वाले विद्यार्थियों ने साफ कहा है कि क्वेश्चन पेपर का लेवल बहुत ही अच्छा था, उससे साफ दिख ये समझ आदमी समझ सकते हैं कि जिस तरह का छात्र छात्राओं में उत्साह देखा गया और क्वेश्चन को लेकर के कहा गया कि क्वेश्चन लेवल काफ़ी अच्छा था, तो निश्चित रूप से इसे आयोग की एक सफलता मानी जा सकती है। और जिस तरह से अब तक इस पूरे मामले में अभी कहीं से भी प्रश्न पत्र लीक आउट होने का मामला नहीं आया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लग रहा है कि आयोग की ये बड़ी उपलब्धि होगी कि जिस तरह से परीक्षा का आयोजन किया गया और लोग बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं इस परीक्षा में शामिल हुए हैं, परीक्षा देने के बाद लोगों में जो उत्साह देखा जा रहा है, तो निश्चित रूप से आयोग के द्वारा ली गई इस पूरी व्यवस्था की गई इस पूरी व्यवस्था को लेकर लोग संतुष्ट नज़र आए हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब परीक्षा समाप्त हो चुका है तो ये रिजल्ट कब प्रकाशित होंगे, और इस परीक्षा खत्म होने से लेकर रिजल्ट जारी होने तक के बीच की ये जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या कुछ नया देखने को मिलेगा, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन बिशु के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, IVTV पटना। टफकॉन XT600 HCR TMT रिबा, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ, टफकॉन XT के साथ।